गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर का फिफ्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वर्ड पैड पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू ओपन वर्ड पैड क्रिएट ओपन एंड सेव अ डॉक्यूमेंट हाउ टू इंजॉय डेट पिक्चर एंड ड्राॅइंग इन टू अ डॉक्यूमेंट वर्किंग विथ वर्ड पैड फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट हे चिल्ड्रेन यू हैव लर्न अबाउट टू ड्रा एंड पेंट ऑन द कंप्यूटर इन द प्रिवियस क्लास बच्चों आप सभी प्रीवियस क्लास में यानी कि क्लास टू में ये सभी जान चुके हो क्या ड्रा एंड पेंट ऑन द कंप्यूटर यानि कंप्यूटर पर ड्रा करना और पेंट करना आप सीख चुके हो जान चुके हो हैव यू एवर हर्ड अबाउट वर्ड पैट प्रोग्राम क्या आप वर्ड पैड वॉटपैड प्रोग्राम के बारे में सुने हो लेटेस्ट लर्न इन डिटेल चलो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ें वॉटपैड इज़ अ प्रोग्राम फॉर टाइपिंग इन कंप्यूटर है वॉटपैड है कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम टाइपिंग करने के लिए करते हैं वर्ट पैड इज़ लाइक अ नोट बुक टू राइट वर्ड पैड जो है एक नोटबुक के जैसा है जिस पर कि हम लोग लिखते हैं जैसे आप नोट कॉपी बनाते हो हिंदी का इंग्लिश का वैसे ही वॉड पैड भी एक नोटबुक के जैसा है बट इफ़ यू नीड टू डू समलिमिटेड फॉर्मेटिंग यू कैन यूज द टूल्स ऑन द रिबन लेकिन यदि आप कुछ लिमिटेड फॉर्मेट का यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो रिवन पर है टूल्स दिए हुए हैं उसका यूज करना पड़ेगा वी कैन टाइप लेटर्स पोएम्स स्टोरीज ई टी सी के हम लोग इस वर्ड पैड में लेटर्स पोएम्स और स्टोरी लिखने के लिए टाइप करने के लिए कर सकते हैं यूजिंग वर्ड प्रोग्राम में, यानी कि लेटर पोएम स्टोरीज हम लोग वर्ड पैड प्रोग्राम में लिख, टाइप कर सकते हैं हाउ टू ओपन वर्ड पैड है हम लोग वाड को ओपन कैसे करेंगे दीज आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ओपन वर्ड पैड पैड ओपन करने के लिए ये निम्नलिखित स्टेप्स हैं सबसे पहले हमें स्टेप वन में क्लिक ऑन स्टार्ट बटन सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करना होता है ये देखिए ये स्टार्ट बटन है और इस पर जब आप क्लिक करोगे तब आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और फिर सेकंड पेज में देखिए क्या करना है सेकंड स्टेप में क्या करना है क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स ये देखिए ऑल प्रोग्राम्स है इस पर फिर से क्लिक कर देना है फिर थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द एसेसरीज जब आप ऑल प्रोग्राम क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा और इसमें देखिए यहाँ एसेसरीज है तो एसेसरीज पर आपको क्लिक कर देना है फोर्थ में है क्लिक ऑन वाटपैट और जब आप एसेसरीज़ पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा और इस पेज पर आपको मिलेगा वॉडपैड तो यहाँ आकर क्लिक कर देना है विलियम विल एच गेट्स इज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट द वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी संसार को लीड करने वाले ये सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं विलम बिल एच गेट्स वर्किंग विथ वैड विन वी क्लिक ऑन वट अ और वाटपैड पेज ओपन अप ऑन द मोनीटर जब हम वॉट पैड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मोनीटर पर वाट पैड पेज ओपन हो जाता है इस तरह से नाउ वी कैन स्टार्ट टाइपिंग इन इट अब हम इस पर टाइप कर सकते हैं वाटपैड हैज़ मीनी स्टाइल्स फॉर राइटिंग जस्ट एज वी ऑल हैव डिफरेंट हैंड राइटिंग हम लोग वाटपैड पर कई स्टाइल्स में लिख सकते हैं जिस तरह से हम लोग के राइटिंग जो है सबका अलग अलग होता है ये देखिए इसको हम लोग रिबन कहते हैं ये जो है क्विक एसे टूल बार ये टाइटल बार सेलेक्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द हेयर यहाँ से हम लोग टेक्स्ट के साइज को सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द हेयर और यहाँ से फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं फिर दिस इज़ द राइटिंग स्पेस ये जो स्पेस है इस पर आप टाइप कर सकते हो सेलेक्ट डिफरेंट स्टाइल फॉर टाइपिंग बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन फ्रॉम हेयर यहाँ यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल में लिखने का आपको ऑप्शन मिलेंगे जिस भी स्टाइल में आपको लिखना है उस स्टाइल को आप अपना सकते हो बोल्ड है इटैलिक है या फिर अंडरलाइन करना है चलिए अब आगे देखते हैं क्रिएट ओपन एंड सेव अ डॉक्यूमेंट वेन यू क्लिक वॉट पैट बटन इट विल शो अ पॉप अप विंडो दैट कंटेंट्स क्रिएट ओपन सेव एंड सेव एज डॉक्यूमेंट जब आप वॉट पैट बटन को क्लिक करते हो तब आपके सामने एक विंडो ओपन होता है जिसको पॉप ऑप विंडो कहते हैं और इसमें आपको क्रिएट ओपन सेव एंड सेव ए डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रहेंगे हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट अब नए डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे बनाते हैं क्रिएट करते हैं लेटेस्ट फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स क्लिक ऑन द वड पैट बटन तो सबसे पहले हमें वॉटपैट बटन पर यहाँ क्लिक कर देना है उसके बाद सेकेंड में जब आप वाट बटन क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें क्लिक ऑन द न्यू बटन और यहाँ पे आपको न्यू बटन का ऑप्शन दिखेगा उसमें आपको क्लिक कर देना है थर्ड स्टेप क्लिक द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन फ्रॉम द ब्लैंक एंड रीसेंट सेक्शन एंड क्लिक ऑन द क्रिएसन बटन फिर आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है और फिर और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहाँ पे रहेंगे ब्लैंक एंड रिसेंट सेक्शन में रहेंगे और फिर आपको उसके बाद क्या करना है क्रिएट बटन पर क्लिक करना है न्यू डॉक्यूमेंट एरिया अपेयर्स डैट गिव्स यू ब्लैंक स्पेस टू डू वर्क है और इसके बाद फिर आपके पास नया डॉक्यूमेंट एरिया प्रजेंट हो जाएगा जिसमें कि आप अपना कुछ काम कर सकते हो जब आपके सामने ब्लैंक स्पेस काम करने के लिए आ जाएगा तो उसके बाद फोर स्टेप में आपको क्या करना है यूज़ द कीबोर्ड फॉर टाइपिंग व्हाट एवर यू वॉन्ट आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हो और फिर कीबोर्ड का यूज करते हुए जो आप चाहते हो टाइप करना उसको टाइप करो फैक्ट टू नो सी टी आर एल प्लस एन इज़ द शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वॉट पैड वॉटपैड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप सी टी आर एल प्लस एन जो शॉर्टकट की है इसका आप उपयोग कर सकते हो फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट इन वॉटपैड फॉर्मेटिंग रिफोर्स टू हाउ द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट लुक्स एज वेल एज इट इज अलाइन्ड वर्ड पैड में आपका फॉर्मेट जो है वो कैसा दिखेगा इसको आप अच्छा दिखे इसके लिए आप उस पर काम कर सकते हो हाउ टू चेंज द फाउंट लेटेस्ट फॉलो द स्टेप्स इन ऑर्डर टू चेंज द फाउंट ऑफ द टेक्स्ट स्टेप न सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू चेंज आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको कि आपको चेंज करना है स्टेप टू में सेलेक्ट द फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है फर्स्ट में जिसको कि आप चेंज करना चाहते हो सेकेंड में क्लिक ऑन द होम टैप इन द फ़ॉन्ट ग्रुप सेकेंड स्टेप में आपको होम टैप पर क्लिक करना है जो फ़ॉन्ट ग्रुप का है थर्ड स्टेप में सेलेक्ट द फ़ॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट लिस्ट से फाउंट uh, सेलेक्ट करना है थर्ड स्टेप ये, ये है ये लिस्ट है इसमें से फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके क्लिक करना है देन यू फाइंड योर फाउंट हैज इसके बाद देखोगे कि आपका फॉन्ट जो है चेंज हो गया है इंजर्ड डेट पिक्चर्स एंड ड्राॅइंग इन टू अ डॉक्यूमेंट हाउ टू इंजर्ड द करेंट डेट है आप करेंट डेट को कैसे इंजर्ड करोगे यानी कि करेंट डेट को आप कैसे फिक्स करोगे लेटेस्ट फॉलो द स्टेप्स इन ऑर्डर टू इंजर्ड द करेंट डेट करेंट डेट को इंजर्ड करने के लिए ये स्टेप्स हैं क्लिक ऑन द होम टैब इन द इंजर्ड ग्रुप इंजर्ड ग्रुप में होम टैब है वहाँ से वहाँ पर जाकर होम टैब पर आपको क्लिक कर देना है सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम सेकेंड स्टेप में जहाँ आपको डेट और टाइम दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है थर्ड में क्लिक द फॉर्मेट यू वांट टू इंजर्ड उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है जिसको कि आप इंजर्ट करना चाहते हो क्लिक ऑन द ओके बटन और फिर लास्ट में ओके okay पर क्लिक कर देना है हाउ टू इंजर्ट पिक्चर्स इन टू अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में पिक्चर को आप इंजर्ट कैसे करते हो लेटेस्ट फॉलो द स्टेप्स इन ऑर्डर टू इंजर्ट अ पिक्चर पिक्चर को इंजर्ट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो ये हैं फर्स्ट क्लिक ऑन द होम टैब इन द इंजर्ड ग्रुप इंजर्ड ग्रुप में जो होम टैब है उस पर क्लिक करना है ये है होम टैब यहाँ पे क्लिक कर देना है सेकेंड स्टेप क्लिक ऑन द इंजर्ड पिक्चर बटन सेकेंड स्टेप में आपको इंजर्ड पिक्चर पर क्लिक करना है ये देखिए ये है थर्ड में सेलेक्ट द पिक्चर दैट यू वांट टू इंजर्ट आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना है जिसको कि आप इंजर्ट करना चाहते हैं देखिए पिक्चर है तो इस पर क्लिक कर देना है क्लिक ऑन द ओपन बटन और फिर लास्ट में ओपन uh, पर क्लिक कर देना है फैक्ट्स टू नो सी टी आर एल प्लस डी इज द शॉर्टकट की यूज टू इंजर्ट ए ड्राॅइंग इन वाट पैड वॉट पैड में ड्राइंग को इंजर्ट करने के लिए आप सी टी आर एल प्लस डी शॉर्टकट की है जिसको कि आप उपयोग कर सकते हो हाउ टू इंजर्ट अ ड्राइंग इन टू अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में ड्राइंग को कैसे इंजर्ट करते हैं लेटस्ट फॉलो द स्टेप्स इन ऑर्डर टू इंजर्ट अ ड्राइंग स्टेप क्लिक ऑन द होम टैब इंजर्ट ग्रुप है इंजर्ड ग्रुप में में होम टाइप को क्लिक कर देना है सेकंड क्लिक ऑन द पेन ड्राइंग फिर पेन ड्राइंग पर क्लिक करना है क्लिक क्रिएट द ड्राइंग दैट यू वांट टू इंजर्ट जिसको आप uh, जिस ड्राइंग को आप इंजर्ड करना चाहते हो उसको uh, uh, उसे आप क्रिएट करो फोर्थ में है क्लोज पेंट विंडो और फिर पेंट विंडो को क्लोज कर देना है डॉक्यूमेंट में ड्राइंग को इंजर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें होम टैब पर क्लिक करना है उसके बाद फिर सेकेंड uh, में पेंट ड्राइंग पर क्लिक करना है और थर्ड में फिर ड्राइंग को क्रिएट करना है ड्राइंग बनाना है और फिर इसको फोर्थ स्टेप में क्लोज कर देना है क्लोज पेंट विंडो देन यू फाइंड योर हैज बीन इंजर्टेड इसके बाद अब देखोगे कि ड्राॅइंग जो है इंजर्ट हो जाता है ये देखिए ड्राॅइंग इंजर्ट हो चुका है चलिए तो अब लेसन को समराइज कर देते हैं वाट पैट इज़ ए प्रोग्राम फॉर टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द कम्प्यूटर वॉटपैट एक प्रोग्राम है जिस पर के जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पर टेक्स्ट को टाइप करते हैं वी कैन क्रिएट ओपन एंड सेव और डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं ओपन करते हैं और सेव करते हैं क्या चीज़ डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट को बनाते हैं उसको किस तरह से ओपन करते हैं और कैसे सेव करते हैं ये चीज़ जाने वी कैन डू सम लिमिटेड फॉर्मेटिंग इन वॉटपैड हम लोग वॉटपैड में कुछ लिमिटेड फॉर्मेटिंग किए। वी कैन इंजर्ड डेट पिक्चर एंड ड्राॅइंग इन टू अ डॉक्यूमेंट हम लोग डॉक्यूमेंट में डेट पिक्चर और ड्राॅइंग को इंजर की, कर सकते हैं बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ टाइपिंग टेस्ट टेक्स्ट को टाइपिंग करने के लिए अलग अलग स्टाइल होते हैं जैसे बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन